नमस्ते फ्रेंड्स, आर्ट एंड टैरो में आपका स्वागत है। टैरो कार्ड्स में चार तरह के किंग्स हैं। एक किंग रिप्रेजेंट करता है मनी को, एक रिप्रेजेंट करता है लव को, एक करता है पावर को और एक करता है स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्ट को। आज जिस कार्ड के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है किंग ऑफ इंटेलेक्ट, दैट मीन्स किंग ऑफ सॉर्ड्स। ये कार्ड है किंग ऑफ सॉर्ड्स का, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। किंग ऑफ सॉर्ड्स के कीवर्ड्स सबसे पहले जानेंगे। किंग ऑफ सॉर्ड्स के कीवर्ड्स रहेंगे स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्ट, पावर, क्लैरिटी, विजडम, अवेयरनेस, रूथलेस, अथॉरिटी, ट्रुथ। तो कार्ड में हम देखते हैं कि इट्स अ वेरी ड्राई काइंड ऑफ अ एनवायरनमेंट विच इज शोन अराउंड दी किंग ऑफ सॉर्ड्स। इसके आप पीछे देखेंगे तो देर इज़ लाइक अ वेरी क्लियर काइंड ऑफ अ स्काई बिल्कुल क्लियर है और ऊपर जो है दो बर्ड्स शो करती हैं। और किंग ने अपने राइट हैंड में जो है वो सॉर्ड लिया हुआ है और उसका लेफ्ट हैंड जो है वो रेस्ट कर रहा है। अब इसको थोड़ा सा गहरे में समझेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि किंग जो है इज वन ऑफ द किंग हु सीज यू डायरेक्टली। चारों किंग में से सिर्फ एक यही किंग है जो आपको डायरेक्टली आपकी आंखों में देख रहा है और वो आपको जो है जानने की कोशिश कर रहा है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट दैट यू कैन एस्केप फ्रॉम द आईज ऑफ द किंग। दैट मीन्स कि आप इसके सामने कोई झूठ लेके इसके सामने नहीं जा सकते क्योंकि सब कुछ बहुत साफ है, बहुत इंटेलेक्चुअल है। और यहाँ पे पूरा जो रास्ता है किंग का वो है क्लैरिटी के ऊपर बेस्ड है। तो उसको कुछ भी आप जो है ऐसी कोई भी बात नहीं कर सकते जिसके अंदर जो है क्लैरिटी नहीं होगी। सो किंग ऑफ सॉर्ड के अंदर हम देखते हैं बिकॉज उसका जो सारा जो पाथ है वो बेस्ड है इंटेलेक्चुअल के ऊपर। दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि आप किंग के साथ कोई भी जो है झूठ नहीं बोल सकते। सो किंग पाथ इज द पाथ ऑफ द ट्रुथ। एंड जैसे मैंने बताया कि ही लुक्स फॉर क्लैरिटी एंड ट्रुथ, दैट इज़ व्हाट हिज लाइफस्टाइल इज़, दैट इज़ हाउ हिज एनर्जी इज बिल्ड, दैट इज़ हाउ ही लिव हिज लाइफ बेस्ड ऑन दोज टू फैक्टर्स एंड हिज रेलम इज ऑफ इंटेलेक्ट एंड विल। वो अपने इंटेलेक्ट के बेसिस के ऊपर, अपने विल के बेसिस के ऊपर ही कैन एक्चुअली अचीव एनी थिंग। किंग ऑफ सॉर्ड कैन एक्चुअली हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग एबिलिटी टू डेवलप हिज थर्ड आई of awareness and he can actually achieve anything with this power. We also call this the power of sankalp, the power of intent which this king of sword has. He is brilliant and clear thinker. Jo king hai wo apne aap mein jo stand karta hai, this is the highest pedestal where someone has reached. King of sword jo hai apni command ki seat pe baithta hai और उसका जो राइट हैंड है उसने जो है वो सॉर्ड ले रखी है और उसका जो लेफ़्ट हैंड है वो रेस्ट कर रहा है। इसको भी थोड़ा समझने की बात है। जो हमारा लेफ़्ट हैंड है वो हमारे राइट ब्रेन के साथ कनेक्टेड है और जो हमारा राइट हैंड है वो हमारे लेफ़्ट ब्रेन के साथ कनेक्टेड है। तो जो राइट हैंड होता है दैट इज़ द मैस्कुलिन साइड, दैट इज़ द मेल साइड। और जो हमारा लेफ़्ट हैंड होता है दैट इज़ द इमोशनल साइड, दैट इज़ द फेमिनिन साइड। किंग ऑफ सॉर्ड के अंदर जो है फेमिनिटी जो है ऑलमोस्ट ना के बराबर है उसके अंदर जो है। ही इज़ लाइक अ प्योर फिजिकल, इज अ प्योर मैस्कुलिन प्रिंसिपल विच इज़ शोन हेयर। इसलिए उसके हाथ को जो है इसलिए किंग का जो राइट हैंड है वो एक्टिव है और किंग का जो लेफ्ट हैंड है वो रेस्ट कर रहा है। तो जिसके पीछे जो है गहरा साइकोलॉजिकल ट्रुथ है जो कि अब आप देख सकते हैं। किंग की जो ब्लू ड्रेस है दैट ही हैज़ अ वेरी डीप डिज़ायर टू नो द स्पिरिचुअल विजडम, हैज़ अ वेरी डीप डिज़ायर टू हैव स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग। और किंग का जो पाथ है, जो स्पिरिचुअलिटी का जो पाथ रहेगा, वो पाथ रहेगा इंटेलेक्चुअलिटी के ऊपर। और जैसे कि हम जानते हैं किंग ऑफ सॉर्ड जो है इंटेलेक्ट के ऊपर बेस्ड है, इसलिए किंग का जो स्पिरिचुअल पाथ रहेगा वो इंटेलेक्ट के ऊपर बेस्ड रहेगा। He will be more attracted to Buddha as compared to Krishna. He will be more attracted to Gurdjieff
as compared to Guru Nanak ji, because his path is of the intellect. He would like to start his journey with knowledge, by gaining knowledge, and slowly, slowly, with that gaining of knowledge, a time comes when he will also starts meditating. And as he starts meditating more and more and more, a time comes when there is a gap which starts happening between him and his knowledge, and that happens because of the meditation. And that is when the real spirituality starts happening in the life of King of Swords. King of Swords जो है वो कोई ऐसा नहीं है जो आप उसको कोई बात बोल दो और वो विश्वास कर लेगा. उसका path जो है वो logic के ऊपर based होगा. So unless and until he is not convinced, he is not going to follow the path. आज की date में अगर हम एक intellectual guru की बात करें, the one who is alive, he is Sadguru Jaggi Vasudev. And he is one of the most beautiful masters. King of Swords के लिए it will be very easy to connect with the Sadguru Jaggi Vasudev. It doesn't mean, you know, like the person of devotion cannot connect with him, but mostly, you know, the people who have this intellect, it will be much more easier for them to connect with Sadguru. हम पीछे देखते हैं जो sky है वो बहुत ही crystal clear sky है. उसमें कोई जो है ज़्यादा movement नहीं हो रही है. It's kind of stationary because King of Swords likes everything to be stable, is to be still, because उसमें एक बड़ा clear सा message है that it is for the reason is because he likes mental clarity. जो दो birds हैं वो symbolize करती हैं king की दो eyes which can actually see from far, which can actually see a big picture. So this king is not someone who looks at the short term goals. He looks at the bigger picture. So he is a symbol of intellectual power and authority. But intellectuality ke saath jo hai ek dryness bhi aati hai, and that is why jo uske already ek uske picture ke andar jo hai wo symbolism hai, uska jo left hand hai wo uski thigh pe rest kar raha hai. That means his feminine side is not active, which makes him dry. Some people enjoy being in the desert, some people enjoy being dry, and this is one of the guy. The King of Swords also represent judgment, command and leadership. All these qualities are intellectual and it comes very naturally to the king. Aur king jo hai aapko hamesha encourage karta hai ki aap apni jo life hai wo logic ke upar based hoke chale. Koi bhi aisa kadam mat uthaye jiske andar emotions involved ho. सारा का सारा जो प्रोसेस आपकी लाइफ का होना चाहिए वो बेस्ड होना चाहिए इंटेलेक्ट के ऊपर, ब्रेन के ऊपर, क्योंकि उसका सारा जोर उसी के ऊपर है. तो अगर हम रियल लाइफ में देखेंगे तो किंग ऑफ सॉर्ड इज समवन हु विल बी लाइक अ स्ट्रॉन्ग टीचर, प्रोफेशनल एडवाइजर और अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन. लाइक पीपल विल बी एक्चुअली गैदर्ड अराउंड हिम बिकॉज ऑफ द नॉलेज विच ही हैज़ गैदर्ड. और अगर हम पर्सनैलिटी की बात करें, किंग ऑफ सॉर्ड इज़ हाईली नॉलेजेबल, ही इज़ हाईली इंटेलेक्चुअल, he is very authoritative, he is powerful and he is highly qualified. To career ke point of view se hum dekhenge to king of sword is will be someone who would like to take a job which requires lot of intellectuality, jiske andar brain ki capacity zyada ho. agar hum baat kare love relationship aur marriage ki, king of sword ke liye jo hai love aur relationship mein padhna itna aasan nahi hoga, because it is very difficult, because his heart is not very open. So for him, everything has to be crystal clear. So he is not someone who is going to fall in love with you. आप king के प्रेम में पड़ सकते हैं, लेकिन king आपके प्रेम में कभी नहीं पड़ेगा. और finally, अगर हम spiritual path की बात करें तो king of sword हमें inspire करता है to develop our intellect, to develop our higher consciousness, to go on the spiritual path by using all these tools which are available for meditation and bringing more and more clarity into your life. और जाते जाते किंग ऑफ सॉर्ड के लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल कोट है जो कि बुद्धा का है, और वो कोट इस तरह से है. बुद्धा कहते हैं, हार्ड इट इज़ टू ट्रेन द माइंड विच गोज वेयर इट लाइक्स एंड डज व्हाट इट वांट्स, एन अनरूली माइंड सफर्स एंड कॉजेज सफरिंग एंड वॉट एवर इट डज, बट अ वेल ट्रेन माइंड ब्रिंग्स हेल्थ एंड हैप्पीनेस. तो बुद्ध कहते हैं कि ये जो मन है ये आपका सबसे बड़ा दोस्त भी है और साथ में ये सबसे बड़ा दुश्मन भी हो सकता है. इट डिपेंड्स ऑन यू. दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल टूल विच हैज़ बीन गिवन टू यू बाय गॉड, एंड इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू विल यूज़ इट.
how you're gonna shape it. So with this, I will take a leave. I will end my reading for the King of Swords, and I will see you in my next one. Thank you so much for watching. Namaste.